नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों भाई, आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी MR और SSR की रिक्रूटमेंट जो है आ चुकी है। 7 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बहुत ही बड़ा डाउट जो है मेरे पास आ रहा है कि सर, क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप SSR और MR के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल का मतलब है दोस्तों, अगर आपने MR के लिए 10th पास कर रखी है दोस्तों, और एज क्राइटेरिया आपका एज जो है उस ब्रैकेट के बीच में है, और SSR के लिए अगर आपने 12th कर रखी है, PCM से पास होने चाहिए बस आप, और आपका एज क्राइटेरिया मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो भाई 101% आपका एग्जाम आने वाला दोस्तों। यहाँ पे क्लियरली जो है एडवर्टीजमेंट में लिख रखा है, ₹550 आपसे फी ले रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। तो एग्जाम का एडमिट कार्ड भाई सभी का आएगा। सो ये जो डाउट है आपका, इसको आप सभी जो है मन से निकाल दो दोस्तों, कि आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लो। दूसरा पॉइंट दोस्तों भाई, जब आपने क्लियर कर लिया है, आपने फॉर्म भरना है, तो आज से ही प्रिपरेशन में लग जाओ दोस्तों, क्योंकि दिसंबर के अंदर आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फेब में आपका एग्जाम दोस्तों 101% शेड्यूल, आप सभी को पता है। इंडियन नेवी की हिस्ट्री भाई मेरे को पता है, 5 साल से मैं तैयारी करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आपका एग्जाम जो है प्रॉपर टाइम पे होगा, मई के अंदर आपकी जो है फर्स्ट वीक के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डाउट आप जो है अपना क्लियर कर लो कि भाई एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो सबका एडमिट कार्ड आएगा, बिल्कुल सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो शेड्यूल्ड है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि इंडियन नेवी MR की जो प्रिपरेशन है उसको आप कैसे एक बेहतरीन तरीके से जो है कर सकते हो। और भाई यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि MR की जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज होती हैं, कट ऑफ भी स्टेट वाइज लगती है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक हर स्टेट से यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट को जो है लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे भाई हम बात करेंगे कि जो MR होता है, मैट्रिक रिक्रूट 10th पास जो है जॉब होती है दोस्तों, इसके अंदर आपको सेफ की, स्टेवर्ड की और हाइजीनिस्ट की पोस्ट मिलती हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? सबसे पहला दोस्तों मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, ठीक है, लेकिन आपको इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के बाद आता है दोस्तों हमारा जो है मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, ठीक है। तो ये तीन जो है पार्ट आपके एग्जाम के अंदर आते हैं दोस्तों, लगभग जो है मैं कह सकता हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे GK के आते हैं दोस्तों, ठीक है। 30 मिनट का आपके पास समय दिया जाता है। तो यहाँ पर भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है टाइम मैनेजमेंट का। दोस्तों अगर आप टाइम मैनेज अच्छे से कर लेते हो तो भाई डेफिनेटली आप एग्जाम को बेहतरीन तरीके से कर देते हो। अगर आप मैथ के एक ही सवाल में अटके रहोगे तो भाई टाइम फिर मतलब जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम आप सभी को पता है किसी के लिए रुकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों साइंस को आप ज़्यादा नहीं, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आप इजीली जो है टैकल कर सकते हो, और जनरल अवेयरनेस को भी, यानी 10 मिनट में दोनों को आप कवर कर सकते हो अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। और मैथमेटिक्स में भी मानता हूँ कि एक सवाल में अगर आप मैक्सिमम 1 मिनट भी लगाते हो तो भी आप इसको 12-13 मिनट में कर सकते हो, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का तो समय ही है दोस्तों सारा का सारा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जिसमें आपको जो है सोल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो एग्जाम आप सभी को पता है भाई 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। और आप यहाँ पे भाई देखो, मैं यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम करना है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि आपको भाई 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं सही, या फिर 45 का टारगेट रखना है। आप टारगेट रख के चलिए दोस्तों कि आपको 50 में से 50 नंबर लेकर आने हैं, कोई आप कट ऑफ पर ध्यान मत दो दोस्तों, एटलीस्ट एग्जाम तक। देखो भाई जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठते हो तब तक दोस्तों मेरा एक ट्रस्ट करना भाई कि आप कट ऑफ की वीडियो बिल्कुल भी मत देखना कि कितने पर कट ऑफ जाएगी। दोस्तों जब आपका दिमाग ऐसे चला जाता है कि भाई मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरी कट ऑफ जाएगी 30 नंबर पर, तो मेरा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि मैं ना 30 के नियर अबाउट ही स्कोर कर पाऊंगा। लेकिन जब आपका ये है कि भाई मेरे को तो 50 में से 50 मार्क्स लेके आने हैं, तो आप जो है डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे 45+ भी स्कोर कर सकते हो, इनफैक्ट 50 भी स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं एक जेन्युइन बात आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहला फोकस आपका रहना है आपकी प्रिपरेशन पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, साइंस कैसी आती है, मैथ कैसा आता है, और आपकी जो है जनरल अवेयरनेस कैसी आती है। तो सबसे पहला ही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, ये 10th लेवल तक की आएंगी। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो पूरे के पूरे सिलेबस पर बता रखा है, जिसमें मैंने साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक आपको डिटेल में बताया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वो टॉपिक, देखो एक टॉपिक मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, देख एक मेरे पास टॉपिक है दोस्तों, जैसे इंडियन नेवी MR के सिलेबस में यहाँ पे हिस्ट्री बताया हुआ है, उसके बाद ये नहीं बताया दोस्तों
दोस्तों कि आपको भाई एंशंट हिस्ट्री पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, या फिर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपका जो है ये एक डिसीजन पहले से ही होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ें फॉलो करनी है, मेरे को इन चीज़ों को ही बेहतरीन तरीके से करना है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस को आप कितना भी बड़ा बना सकते हो और कितना भी छोटा बना सकते हो, तो लेकिन हमें केवल वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको देखो हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ गिने चुने टॉपिक एंशंट हिस्ट्री के हैं, मेडिवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी करनी है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वो मैं आपको सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ दोस्तों, चिंता मत करो। बस मैं आप सभी को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ना एक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये मेरा रास्ता है, मेरे को यहीं पे जाना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने अपने माइंड में ना मैप नहीं बना लेते भाई अपनी डेस्टिनेशन का, तब तक आप ना भटकते रहोगे दोस्तों, और वो भटकना आपका टाइम ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप पहले से क्लियर रखना भाई। साइंस दोस्तों मैंने भाई जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दोस्तों एग्जाम के 10 दिन पहले मतलब ऐसी साइंस करवाई है, आप वहाँ से जो है 12 में से 10 नंबर ना बहुत आसानी से जो है स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मतलब पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इंडियन नेवी आंसर की कभी रिलीज नहीं करता है ना, कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिलता कि भाई आप ऑब्जेक्शन लगा सको, है ना। तो वो क्वेश्चन ना आपके लिए रामबाण से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि भाई उन क्वेश्चन से आपको लेवल का आइडिया लगेगा, आपको वो क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू भी देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज करने के बाद भी आपको वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और आपकी जो है साइंस। अब जनरल अवेयरनेस में दोस्तों करंट अफेयर है भाई, करंट अफेयर को ना मेरे अगर मानो तो अभी से स्किप करके चलो दोस्तों, करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जब एग्जाम से 15-20 दिन बच जाए दोस्तों, तो आप इंपॉर्टेंट 6 मंथ का करंट अफेयर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि हर संडे को ना 1 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज कर लो, और पिछले 7 मंथ का करंट अफेयर, 8 मंथ का करंट अफेयर आप कर लो, यानी 2022-22 का तो एटलीस्ट कर लो। और करंट अफेयर में भी ऐसे गिने चुने टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन जाएगा और करंट अफेयर हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस अगर मैं बात करूं तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स भी देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के पूरे पूरे चांसेज है आपके। यानी अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में भी आप दोस्तों 20+ इजीली कर सकते हो, अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो गाइडेड होगी और आप जो है वही कंटेंट पढ़ रहे होगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आप सभी के लिए जो है क्लासेस भी जो है स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों मंडे से। ठीक है भाई, मंडे से जो है हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लासेज को। अब यहाँ पे क्लासेज जो है क्या रहेंगी और किस प्रकार से हम स्टडी करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहला तो मैं आप सभी को एक काम देता हूँ भाई, मंडे तक अपना एटलीस्ट जो है 4-5 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट जरूर से लगा लो दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे तो डिफेंस सिक्स ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर नेवी MR की टेस्ट सीरीज है, शायद 40-50 रुपये में वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी दोस्तों आपको, वहाँ से उन टेस्ट सीरीज को परचेज करो और वो सारे 10 के 10 सेट लगा लो दोस्तों, क्योंकि उसमें भाई मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, उससे आपको ये आइडिया होगा कि जब आप मेरे से ही पढ़ रहे होगे या फिर और किसी से भी पढ़ रहे होगे, तो आपको ये आइडिया रहेगा हाँ भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लगता रहेगा कि हाँ इस लेवल तक का मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है। कई बार जैसे क्वेश्चन है और मान लो भाई बाई चांस टीचर ने वो टॉपिक छोड़ दिया है और आपको पीछे ये याद है कि हाँ वो टॉपिक से ना क्वेश्चन आता, तो आप ये कहोगे कि सर ये टॉपिक भी आप करवा दो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप भी एक भी टॉपिक को जो है छोड़ के नहीं चलोगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप जो है जरूर लगा लेना दोस्तों, मेरे नहीं तो कहीं से भी आप अरेंज करके लगा लो। ठीक है, लेकिन भाई ये आपको और कहीं से श्योरिटी नहीं मिलेगी कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है, क्योंकि जब कैंडिडेट एग्जाम देके आते हैं तो उसी टाइम पे हम नोट डाउन करवा देते हैं क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस की जो है टेस्ट सीरीज के तौर पर आपको प्रोवाइड कर रखे, और ऑफलाइन तो हम जो है क्वेश्चंस भी जो है PDFs के थ्रू जो है कैंडिडेट को शेयर करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें भाई दूसरा पॉइंट आपके लिए जो आता है, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए, अब आपको करना है दोस्तों सिलेक्शन की आपको कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है और किन चीजों को आपको फॉलो करते हुए जो है जाना है। जब तक आप ये चीजें डिसाइड नहीं कर लोगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप ने देखा होगा कि एक एग्जाम के लिए हजारों बुक्स आती है दोस्तों, है ना, तो आपको एक सेलेक्ट करना है दोस्तों कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन कहीं आप अकेडमी पे जा रहे हो वहां से पढ़ना है, या फिर भाई सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप एक डिसीजन अभी ले लो दोस्तों, क्योंकि जो डिसीजन नहीं कर सकता ना वो आई थिंक भाई देखो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब डिसीजन ही आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप आगे जाने की होप जो है स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ही होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है भाई, जो आपने डिसीजन लिया है ना बस उस पर कायम रहो, और ये यकीन रखो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये अगर आपने कर लिया तो भाई डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। ये जस्ट एक मोटिवेशन वीडियो नहीं कहूँगा मैं आपको, एक मैंने पूरा का पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना 4-5 साल का, वो सारा मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आप जो है गाइडेड वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखो, क्लासेस में मंडे से स्टार्ट करूँगा, साइंस की भी, मैथमेटिक्स की भी और जनरल अवेयरनेस की भी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 महीने में हम जो है सिलेबस पूरा करवा लेंगे। पीछे मैं दोस्तों कोस्ट गार्ड की क्लासेस स्टार्ट कर ही रहा था भाई, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियों के कारण जो है मैं क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया दोस्तों, ठीक है। लेकिन एमआर के अंदर हम जो है क्लासेस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों भाई, A to Z सिलेबस करेंगे, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप भाई देखो देखो जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होता ना किसी पर भी, तब आप उस चीज़ों को ना ऊपर ऊपर से लेते हो, लेकिन जब आपने ट्रस्ट कर लिया कि हाँ भाई जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जेन्युइन चीज़ है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो भाई डेफिनेटली आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए दोस्तों, और आपका ट्रस्ट जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों आप डिफेंस शिक्षा ऐप से जो है कोर्स भी परचेज कर सकते हो। देखो दो कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, एक तो 599 रुपीज़ का है और एक 149 रुपीज़ का है दोस्तों। ये 149 रुपीज़ का दोस्तों बेसिक कोर्स, अगर आपने आज तक पहले कभी भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो 599 वाला है इसके अंदर आपको दोस्तों 150 के नियर अबाउट जो है वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसमें जाने का आपको बस यही बेनिफिट होगा दोस्तों कि आपको सारी वीडियोस सीरियल वाइज अरेंज मिलेंगी, आपको उन्हीं टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सारा सिलेबस हमने कवर करवाया है, वे टॉपिक भी कवर करवाए जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में बार बार उनसे क्वेश्चन आता है। तो देखो फ्री की चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी दोस्तों, हर जगह, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका ना टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि आपको एक तो वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में आएगा, दूसरा जब आप एक ही चीज़ को पढ़ लोगे एक सिलेबस को, उसके बाद आप उसकी मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे, तो भाई मतलब आपका जो है वो बेस्ट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ले आपने पढ़ लिया इतना ज़्यादा दोस्तों लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, आपको उस अपने दिमाग में सेटल ही नहीं कर पाए, तो वो सारा जो पढ़ना है वो बेकार हो जाता है। तो इतना पढ़ो जिस जितना को आप रिटेन करके रख सको। तो एक बार आप जरूर देखिएगा, उसमें वीडियो जो है अनलॉक भी हैं, फ्री में भी आप देख सकते हो दोस्तों कुछ वीडियोस को, तो आप देखो अगर आपको टीचर्स का समझ में आए तो आप डेफिनेटली उसको परचेज कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड जरूर कर सकता हूं दोस्तों। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो दोस्तों आप सभी भाई। तो ये जो चीज़ें बताई हैं दोस्तों मैंने, इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। मंडे से आपको क्लासेस मिल जाएंगी, एक क्लास आपको जनरल अवेयरनेस की मिलेगी, एक आपको साइंस की मिलेगी और एक आपको मैथमेटिक्स की मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स करवाऊंगा, साइंस की ज़्यादा नहीं दोस्तों 12 से 13 ही टॉपिक मैं करवाऊंगा, और मैथमेटिक्स के भी 12-13 टॉपिक ही हम करेंगे दोस्तों। और भाई अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री करेंगे, फिर हम करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी। पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आता है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा बेसिक आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम करेंगे कुछ जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। साथ ही साथ मैं मंडे से आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगा दोस्तों कंप्लीट, जिसको हम सोल्व करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नेवी एमआर की सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और अगर आपने मेरे को ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हर वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और भाई जैसा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसको फॉलो आप सभी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नॉलेज बुक्स में ना एक टीचर से भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक टीचर का काम क्या होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको सिर्फ ये बताता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए रिलेवेंट है और ये चीज़ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए 9th क्लास की जो है साइंस की बुक है, तो क्या है यहाँ पे इतनी मोटी साइंस की बुक है, लेकिन एक टीचर क्या करता है उसको ना मान लो भाई इतने से पेजेस में क्या है अपने नोट्स दे देता है दोस्तों, और वहीं से आपका एग्जाम आ जाता है। तो ये डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हुआ भाई, उसने जो अपना गेन किया एक्सपीरियंस उसके बिहाफ पर उसने बताया है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप वही एक्सपीरियंस सोचोगे कि मैं गेन करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भाई आप ये पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस और कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। डिफेंस शिक्षा ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।